खेल की दृष्टि से संक्षेप में अगर बॉक्सिंग क्षेत्र में पिछले वर्ष से मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी की उपलब्धियों को गिनाना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त एकमात्र शब्द है मेहनत और प्रेरणा। एकेडमी के संस्थापक राजेश कुमार राजोंद ने खेल जगत को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में वो बॉक्सिंग में कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी अथक मेहनत का परिणाम है कि जिस शहर में बॉक्सिंग को कोई जानता पहचानता भी नहीं था, अब उसी शहर से बच्चे बॉक्सिंग खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ प्रतिभागिता कर रहे हैं बल्कि पदक भी जीत रहे हैं। सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता जो कि कर्नाटक के बेल्लारी शहर में 19 से 26 मई को संपन्न हुई, उसमें मुक्केबाज प्रयास और हर्षजोत ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें हर्षजोत ने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, जबकि प्रयास ने 70 किलो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद एकेडमी में अपने माता पिता के साथ अपने गुरुजनों जितेंद्र कलतगड़िया और गोपाल चौधरी का सम्मान किया। एकेडमी के संस्थापक ने इस सम्मान के लिए प्रयास और उसके माता पिता को प्रयास के मेडल जीतने पर बधाई दी और एकेडमी के प्रशिक्षकों के मान सम्मान के लिए बहुत आभार धन्यवाद किया। इस उपलब्धि पर प्रयास का भविष्य में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पुणे और इंडिया कैंप में चयन कर एकेडमी के कोचिस, स्पोर्टिंग स्टाफ व अन्य बच्चों ने प्रयास को बहुत बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। द ओलंपियन अर्जुन अवार्डी मनोज कुमार ने कहा कि हम कामना करते हैं कि आप यूं ही बॉक्सिंग में एक अनुशासित मुक्केबाज बनकर तरक्की करते रहें और अपने गुरुजनों का मान बढ़ाते रहें और दिन दोगुनी रात चौगुनी उपलब्धि हासिल करते रहें। मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी के संस्थापक राजेश कुमार राजोंद ने बताया कि ओलंपियन अर्जुन अवार्डी मनोज कुमार वे कोच जितेंद्र कलतगड़िया, गोपाल चौधरी, मुकेश राजोंद वे राजेंद्र मस्ताना, ये सब हमारे प्रशिक्षकों की अथक मेहनत है जो हमारे बच्चे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी धूम मचा रहे हैं। आने वाले समय में बॉक्सिंग में कुरुक्षेत्र का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद ही नहीं मेरा विश्वास है। खबर हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।